सबसे पहले तो आप लोगों से थोड़ा सा माफी चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर लेट हो गया। बत्ती गुल मीटर चालू के रिलीज का मौका है तो ऐसे में आपका ये राहुल भोज बिजी था, लेकिन आप लोगों को मुझे अपडेट करना है सुरैया जी के बारे में। सुरैया जी आ रही हैं हम सबके दिलों की धड़कनों को बढ़ाने के लिए, रूम का टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, टर्म्स ऑफ हिंदुस्तान में से कैटरीना कैफ का गॉर्जियस लुक कर दिया है रिवील, जिसमें कैटरीना कैफ एकदम यूनिक लग रही है, हटके लग रही है। वो बनी है सुरैया और उनका जो इंट्रोडक्शन म्यूजिक है वो एकदम बहुत ही मस्ती वाला है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे दोस्तों तो कैटरीना कैफ का वो जो महफिल जमती थी ना जिस वक्त पुराने जमाने में, जिस तरीके से मुजरे होते थे, डांसेस होते थे, तो वैसा ही पूरे एक म्यूजिक बैकग्राउंड के साथ, सीटियां ताली के साथ एंट्री करती है सुरैया बेगम। और सुरैया यहां पर दोस्तों एकदम हॉट अंदाज में है। पता नहीं पास्ट में इतने हॉट कपड़े होते थे या नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं यार। कैटरीना कैफ का आपको बता दूं दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे ये जो लुक है 30 मार्क खां में जब एंट्री हुई थी ना उनकी, तो वैसा ही शीला टाइप्स का ही लुक लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं कि मेकर्स ने उनको सिर्फ डांस वांस के अलावा और क्या क्या चीजें दी हैं। आपको क्या लगता है सुरैया आपको कैसी लगी? क्या आपका दिल जीतने के लिए सुरैया को और प्रयत्न करने पड़ेंगे या फिर सुरैया ने आपका दिल जीत लिया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग अपडेट्स मैं लाऊंगा राहुल भोज आप लोगों के लिए। एंड बाय द वे, थग्स ऑफ हिंदुस्तान में अब आमिर सर का लुक देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुका है। कैटरीना कैफ मुझे लगता है एक्शन नहीं करेंगी जस्ट लाइक फातिमा, और फातिमा ज्यादा एक्शन करेंगी। ओके लेट्स सी।